वेलकम फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को हम सोलेंगे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आता है ठीक है नाउ सी दैट हैव गिवन टू इक्वेश डोजेर बाय डो एक्स इज इक्वल टू क्या है इधर टू एक्स प्लस वाई करके है सेकेंड इक्वेशन क्या है इधर डोज बाय डो वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू इधर सेमिलिटेस इक्वेशन दिया गया है हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन को एक्सप्रेशन को जड इज को तो लेना है ओके फर्स्ट क्या लेंगे इस इक्वेशन को लेंगे डोजरबर डो एक्स ज्यादातर ज्यादातर स्टूडेंट्स अनसब्सक्राइबर स्टूडेंट्स ही मेरे, मेरे देखते हैं 88% एट परसेंट स्टूडेंट्स है वो अनसब्सक्राइबर है प्लीज सब्सक्राइब आयर चैनल अगर सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ओके कम टू प्रॉब्लम डोजरबर डो एक्स ठीक है अगर डिफरेंस है जेड सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या तो इस इंटीग्रेशन करेंगे इसको इंटीग्रेशन करेंगे विध रिस्पेक्ट टू एक्स करना है सो so, इंटीग्रेटिंग ये तो बहुत ही सिंपल है ओके okay. ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल है नाउ इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू नक्स लेना है वाई है कॉन्स्टेंट सेकेंड में क्या करेंगे Second, में इसको भी इंटीग्रेशन करना है नाउ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है इसमें एक्स कॉन्स्टेंट होगा फर्स्ट वन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड इज इक्वल टू टू कॉन्सेंटे एक्स डी एक्स लेना है वाई भी है बाहर लेना है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इधर आएगा यफ ऑफ वाई आ गया वट इज एफ ऑफ वाई एफ ऑफ आई इज ए आर्बिटरी फंक्शन ऑफ वाई सेकेंड वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है इधर जेड इज इक्वल टू एक्स बाहर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इधर माइनस टू बाहर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है प्लस जी ऑफ एक्स वट इज जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज ए आर्बिटरी फंक्शन ऑफ एक्स करके है देर फोर आफ्टर इंटीग्रेशन जेड इज इक्वल टू टू इंटू एक्स है प्लस इधर एक्स आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट एक्स इधर वाई एक्स आएगा प्लस एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ वाई सेकेंड वन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट वाई आएगा माइनस टू इंटू ए वाई स्क्वेयर बाई टू आएगा प्लस जी ऑफ एक्स ठीक है इधर टू टू कैंसिल हो गया फोर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एंड सेकेंड वन जेड इज इक्वल टू इधर एक्स वाई माइनस ए टू टू कैंसिल हो गया, गया, गया ठीक है हमको कॉमन एक्सप्रेशन लेना है जेड इज इक्वल टू करके इसलिए क्या है कंपेरिजन करेंगे इस इक्वेशन को इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे अगर कंपेरिजन किया तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जगह में एक्स वाई है एफ ऑफ वाई बिकम माइनस वाई स्क्वेयर जी ऑफ एक्स बिकम एक्स स्क्र इस तरह रहेगा देर फोर एफ ऑफ वाई इज ए माइनस वाई स्क्वेयर है एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वेयर करके है बहुत ही सिंपल है ओके इधर सब श्रो करेंगे दोनों ही एक ही इक्वेशन लीजिए इस दोनों में एक दो लीजिए सिर्फ ए लीजिए और ए लीजिए जड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायेर हो गया प्लस एक्स स्क्वाय हो गया बाद एफ ऑफ वाई लेंगे माइनस वाई स्क्वायर अगर इसको कंसिडर किया तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्र हो गया जी ऑफ एक्स लिया तो इधर एक्स को रह गया दिस इज रिक्वायर्ड ए सोल्यूशन अगर आपको जो वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कमेंट दीजिए सब्सक्राइब किए तो नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के में जाइए और आई बटन में भी कुछ लिंक्स है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है थैंक्स फॉर वॉचिंग